जय हिंद बच्चों, आइए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बच्चों टीए का मॉडल पेपर अरिथमेटिक का, जिसमें आपके जो है 25 क्वेश्चन बच्चों अरिथमेटिक से आने वाले हैं। अगर बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, कहीं ना कहीं से आप जरूर सीखे होंगे बच्चों, लेकिन इनमें जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। एक एक क्वेश्चन बच्चों हम आपको विद एक्सप्लेनेशन बच्चों उसके साथ दिखाने वाले हैं, कैसे आप जो है कैलकुलेशन को भी फास्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बच्चों आप जो है वहाँ से आने के बाद सारे क्वेश्चन कर लेते हो, लेकिन हमें स्पीड और एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करना है बच्चों, इस बात का बेहद आपको एग्जाम देते समय ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, तो उस हिसाब से बच्चों हम लोग देखते हैं, चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। यहां भैया दिया गया आपका, यदि किसी संख्या के 40% मान लेते हैं भैया x का 40% आपका ये हो जाएगा आपका, उसी संख्या का 30%, उसी संख्या का 30% बच्चों किसके आपका योग सम आपका किसके बराबर 70 के। तो यहाँ से हर समान है 40, 30, 70, तो यक्ष का आपका 70% जो है किसके बराबर होगा, 70 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप काटेंगे तो यक्ष की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका गौरव प्रतिदिन बच्चों 800 रुपये कमाता है, कुछ हफ्ते बाद उसका वेतन बढ़ जाता है, कितना बढ़ता है बच्चों, तो आप बताओगे 160 रुपये। कितने में से बढ़ता है, 800 में से 100 में से कितना बढ़ा, परसेंट आपका वृद्धि पूछा गया था, 8 × 2 = 16, तो आप बताएंगे 20% की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे 75 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ये बराबर है 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ से आप 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, SP अपान क्या निकालेंगे, CP निकालेंगे तो 4/5 आ जाएगा, 5 का समान अगर 4 में बेचेंगे तो 1 का घाटा हो जाएगा, तो 100 में से कितना घाटा होगा आपका, तो आप बताएंगे 20% का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब घाटा हो जाएगा आपका, लॉस हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए पार्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, कुर्सी का विक्रय मूल्य, तो यहाँ बच्चों बोला गया विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना है, 33/20 है। अब फिर से आप देखिए SP/CP कितना आ जाएगा, 33/20, 20 का समान 33 में बेचेंगे, 13 रुपये का फायदा होगा 20 में से, 100 में से कितना हो जाएगा, 20 × 5 = 100, 13 × 5 कितना जाएगा, 65% बच्चों क्या आ जाएगा, गेन हो जाएगा। तो ये आपका 65% का क्या होगा, गेन होगा। 5,000 रुपये 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर बच्चों निवेश किया जाता है, यह धनराशि कितने समय में आपका 6500 हो जाएगा। देखिए 5,000 रुपए जमा किया गया, 6500 हो गया, तो 1500 रुपए आता है बच्चों। अब आपका जो है एक साल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, या फिर अब SI बराबर P बच्चों आपका 5000 है, P × R आपका 15 है, टाइम आपका T बटे क्या होता है आपका 100 होता है, तो यहाँ से इनको काटना है। देखिए 15 से 15 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 50 × 2 कितना आ जाएगा 100, टाइम जो है आपका कितना लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो आप बताएंगे यहाँ पे बी पार्ट आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 1680 रुपये भैया आपका 4.375% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर बच्चों कितना होता है आपका, अर्जित ब्याज कितना होगा। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले 4.375%, तो ऐसा भी तो हम लिख सकते हैं कि 4 बच्चों आपका अलग है, यहाँ पे 375 बटे क्या कर दो आप, 1000, यही तो आएगा। यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे, ये आपका परसेंट है, ये परसेंट हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, अभी सिर्फ हम आपका पॉइंट को सॉल्व करें तो कितना निकल कर आएगा, तो आप बताएंगे 25 × 25, और 25 × 5 कितना आ जाएगा, 125, 25 × 4 कितना आ जाएगा, 100, 5 × 3 = 15, 5 × 8 कितना आ जाएगा, 40, 8 × 4 = 32, और 3 कितना आ जाएगा आपका, 8 × 4 = 32, 32 और 3 कितना आ जाएगा, 35, 35 बटा कितना आ जाएगा, 8%। अब देखिए हमसे ब्याज पूछा गया है, हम आसानी से निकाल सकते हैं कितने पर, 1680 रुपये P × R, R आपका दिया गया 35/8% बच्चों, तो ये आ जाएगा, टाइम आपका 2 साल है, ये हुआ। अब यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 1 कैंसिल हुआ, 2 × 5 आपका 10 हुआ, यहाँ पे 5 × 7 कितना आ जाएगा, 35, 8 × 2 = 16, 8 × 1 = 8, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = कितना आ जाएगा आपका, 14। लेकिन यहाँ पे आपका जो है एक जीरो और रहेगा, 1680 में एक जीरो आपका क्या हुआ, 1680 रुपये की राशि थी, 4.37 था आपका, तो 35/8 × 100, 0 0 कैंसिल हो, 2 × 5 = 10, 5 × 7 कितना आ गया आपका, 35, 10 बच्चों यहाँ पे आपका 147 आ रहा है यहाँ से,
तो बिल्कुल यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 147, अच्छा 1680 रुपए है तो आपका कितना आ जाएगा 147 ही आएगा। तो बिल्कुल बच्चों आपका जो है, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ ऑफलाइन बच्चों जुड़ना तो बिल्कुल आज ही कॉल करिए 9696330033 पर, आज यहाँ बच्चों आप कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे 30,000 रुपए की राशि पर बच्चों 15% आपका वार्षिक आपका क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 2/3 वर्ष में अगर आप देखोगे 30,000 रुपए है बच्चे, कितना आपका 30,000 रुपए है, इस पर अगर हम लोग 15% का वन निकालते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए अगर हम बात करते हैं बच्चों 30,000 रुपए तो यहाँ पे 15% जो है आपका अगर देखते हैं तो परसेंट से बच्चों ये आपका 00 कैंसिल होगा, 15 कितना आ जाएगा 4500 फर्स्ट ईयर बच्चों, तो सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में भी हो जाएगा, 3 साल का हमने निकाल लिया, इसका 15% बच्चे कितना आ जाएगा 15×5 75 और 15×4 60 और 7×7 67 675 आ जाएगा। फिर से 15% निकालेंगे 15×5 75 आ जाएगा आपका, फिर कितना बचेगा बच्चों 15×7 105 और 7 आपका 112 आ जाएगा, 15×6 बच्चों 90 90 10 100। यहाँ पे अगर बात करते बच्चों आपका 15% 15% कितना आ जाएगा 75, 15×7 105 और 7 बच्चों 112 11 आ गया, 15×6 90 90 10 100 बच्चों यहाँ से कितना आ जाएगा 101 आ जाएगा, ठीक है कितना आ जाएगा 101 बच्चों परसेंट है तो पॉइंट लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप जब चेक करोगे थर्ड ईयर का बच्चों हमें कितना चाहिए, केवल 2/3 चाहिए, तो थर्ड ईयर का 2/3 कर दो, तो थर्ड ईयर का बच्चों क्या करोगे 2/3 कर देंगे, तो यहाँ से आप जो है तब पैसा आप जोड़ पाओगे। यहाँ से आप देखोगे कितना आ जाएगा तो 3 15 15 15 2 30 बच्चों यहाँ पे तो 3,000 रुपये आएगा। यहाँ पे सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे देखिए पहले काट दो, 3 × 2 आपका 6 हुआ, 3 × 2 = 6 आपका, फिर इसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा 3×5 कितना आ जाएगा 15 और 2 × 2 बच्चों 450 रुपये आ जाएगा, कितना आएगा आपका 450 रुपये, यहाँ भी 450 रुपये यहाँ भी आएगा। आगे बात करते हैं 3 × 3 आपका 9 हुआ और फिर 1 बचेगा आपका, 3 × 3 = 9 आपका 2 बचेगा 3×7 = 21 3×5 = 15 आ जाएगा आपका, यहाँ पे 2 से आप गुणा करेंगे तो 2×5 कितना आ जाएगा 10, 2×7 = 14 1×15 2×3 = 6 1×7 आपका 2×3 कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पे आप देखिए कितना आ जाएगा बच्चों 75×3 = 33 बिल्कुल आपका, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 67 कितना आएगा 50 आ जाएगा, ठीक है इतना। अब ये जो पैसा है यही आपका क्या हो जाएगा आपका CI हो जाएगा, इसको जोड़ो 45×90 और 3 कितना आ जाएगा आपका 12,000 आ जाएगा, कितना आ गया आपका 12,000 आ गया इस ये पैसा पूरा। अब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले 4 4 8 1 900 900 9 और 6 15 1500 कितना आ जाएगा बच्चों 75 रुपए तो इधर आ जाएगा आपका, ठीक है। आगे अगर बात करते 67.5 रुपए ये आ जाएगा आपका, अब यहाँ से चेक करो 0.5 ये 7 5 कितना आ जाएगा 12 7 6 13 1 कितना आ जाएगा आपका 14 5 1 आपका 6 2 1 3 13,642 रुपए बच्चों आपका आएगा, बी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं एक धनराशि बच्चों आपका 16%, तो 16% मतलब बच्चों 4 4 16 4 कितना आ जाएगा 25 रुपए रहेगा, तो 25 रुपए बच्चों एक साल में कितना हो जाएगा 29, लेकिन यहाँ 2 साल की बात है बच्चों, तो यहाँ पे अगर 625 रुपए रहेगा तो बच्चों ये अपने आप जमा करेंगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चों 29² 841, यही आपको दिया गया है कि 841 की वैल्यू है बच्चों कितना इतना 4 से गुणा किया जाएगा, तो 4 से यहाँ भी गुणा कर दो तो 4 5 बच्चों आपका 20 4 2 8 2 10 4 6 24 1 25, तो आप बताएंगे कितना हो जाएगा 2500 रुपए आ जाएगा, ए पार्ट निकल कर आएगा। आगे बात करते हैं एबीसी बच्चों 3 और 10 1500 रुपए की राशि आपस में बांटते हैं भैया कितना है 9 7 9 7 16 5 21 21 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 10,500 रुपए, तो यहां पे आपका 21 5 1 बराबर कितना आएगा 500, तो अनुपात में आपका अगर 500 रुपए बढ़ता है एक एक बढ़ जाएगा तो 500
अधिक मिलते तो 5 1 कितना आ जाएगा बच्चों, 6 7 1 8 9 1 10, यही आपका आएगा। इसको आप सरल करेंगे, 2 3 6 2 4 2 5 10, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, ए पार्ट निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, देखिए 12 16 और 6 के बच्चों चतुर्था अनुपात की बात हो रही है, तो चतुर्थ अनुपात क्या होता है बच्चों, इसका इसका गुणा, 16 × 6/12 आपका यही होता है। आगे बच्चों रेशियो, अब तृतीय अनुपात बच्चों इसका स्क्वायर, 6 × 6/ बच्चों आपका क्या हो जाएगा, 4। यहां से सॉल्व करोगे आप, 4 3 कितना आएगा 12, 6 से 6 आपका कैंसिल, 2 3 आपका 6, 2 8 16 इधर 8 बच्चों, इधर 3 3 कितना आ जाएगा 9, आपका कौन सा ऑप्शन बनेगा, आपका डी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं, किसी व्यापार में ए और बी के निवेश का जो अनुपात हो 7 हो, 7 रुपए बच्चों ए ने निवेश किया है 6 महीने के लिए, बी ने भैया आपका निवेश किया 5 रुपए कितने टाइम के लिए, यही आपसे पूछा है, और जो लाभ बच्चों 2/5 है। यहां से आप सॉल्व करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, 2 3 6, 7 3 बच्चों कितना आ जाएगा 21 मंथ आ जाएगा, तो यहां से बच्चों कितना आ जाएगा 21 महीना आ जाएगा, आपका बी पार्ट निकल कर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं बच्चों हमसे जुड़ना तो ऑनलाइन माध्यम से बच्चों घर बैठे आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं बच्चों टीए की, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों। आपको करना क्या होगा, गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होगा एमकेसी लर्निंग ऐप, वो इसके थ्रू बच्चों हमसे आप जुड़ सकते हैं। आगे बच्चों पता करते हैं, ए है बी है सी है बच्चों, 3 लोग हैं, ए ने 33 1/3% लगाया तो 1/3 हो गया, शेष पूंजी 3 में 1 लगाया बच्चों, बचा कितना शेष, 2/3 बचा, शेष पूंजी का बच्चों बी ने कितना लगाया 25% 1/4 लगाया है, तो यहां से बच्चों 2 1 9 2 2 2 4 आपका आया कितना बच्चों 1/3 और ये 1/6। अगर आप देखेंगे भैया ये 33% ये आपका 16 2/3% कुल मिलाकर 50% हो गया, 50% इधर बच्चों, अब सी कौन लगाता है, सी कितना लगाता है 50%, सी लगा देगा। आगे आपसे पूछा गया है इसका भैया लाभ का रेशियो ये हो जाएगा आपका बच्चों, ये अनुपात सही नहीं है, 6 से गुणा कर देंगे हम लोग, तो 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 6 6 1 9 6 और 2 3 6, तो 3 2 5 1 6 6 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों आपका, तो 1 बराबर कितना आएगा 6 3 18 3 6 6 36 6 5 30, ये 00 आ जाएगा आपका। हमसे क्या पूछा बच्चों, ए का हिस्सा ए कितना है बच्चों 2 है, गुणा कर दो 2 से, 2 0 0 बच्चों 2 0 0, 2 5 10, 2 6 12 1 13, 2 3 6 1 7, तो आप बताओगे 73,000 रुपये आपका निकल कर आ जाएगा। 70 और 90 के बीच बच्चों सभी आभास संख्याओं का कितना होगा, तो कितना बचे बच्चों 71, फिर अगला क्या हो जाएगा 73, फिर अगला क्या हो जाएगा बच्चों आपका 73 के बाद बच्चों आपका कितना आ जाएगा 79, फिर इसके बाद बच्चों आपका 83, फिर इसके बाद आपका 89, यही आएंगे आभास संख्या बच्चों। यहां से आपका कितना आ जाएगा डिवाइड बाई 5 आ जाएगा, तो यहां से अगर आप बच्चों टोटल आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 आपका, ठीक है 395 बच्चों, 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 5 7 35, 5 9 45 बच्चों कितना एवरेज आ जाएगा आपका, सी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते बच्चों, अगला आपका दिया गया है, देखिए 22 संख्याओं का औसत बच्चों 37.5 है, तो बच्चों जब भी आपका इन दोनों संख्याओं को निकालने की बात करें तो ये दोनों संख्याएं बच्चों 12 यहां भी है 12 यहां भी, टोटल 24 है। अगर हम बात करते बच्चों इनको हटाने की बात हो रही है तो देखिए, तो 22 × बच्चों आपका कितना आ जाएगा 37.5 है, ठीक है 37.5 है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखो अब अगर पहले पूरी लॉजिक की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे अगर आप देखो टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी 12 और 12 24, तो दोनों में 12 से गुणा होगा बच्चों 12 हमने कॉमन कर दिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये बच्चों आप जोड़ो दोनों को 40 30 70 70 75 76 हो जाएगा, दो टोटल बच्चों 24 संख्याएं ये हो गई, इनमें से अगर आप ये 22 × बच्चों आप क्या कर देते हो 37.5 कर देते हो, क्या यही दोनों संख्याएं आ जाएंगे बच्चों 11वीं और 12वीं, हमने 12 12 24 हटा दिया पूरा, तो ये दोनों बच्चों आपका इसके अंदर आ गई। अब यहां से आप क्या करोगे, टोटल इनमें से हटाना था, तो 22 × बच्चों आपका क्या करना है 37.5 में से इसको हटाना, तो ये माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाई बच्चों, जब दोनों संख्याएं हट गई अब बची कितनी 20, यही तो बच्चे हमें निकालना है, बिल्कुल तो ये डायरेक्ट आप कर सकते थे, तो यहां बच्चों आपका 22 कॉमन हो जाएगा, तो 22 × कितना आ जाएगा 37 × 2 74 1 75, 12 × 76 बच्चों 75 हम बना सकते हैं बिल्कुल, तो यहां पे क्या आ जाएगा 75 माइनस आप
आपका 12 बटे क्या कर देंगे बच्चों हम लोग 20 कर देंगे। अब यहां से देखिए 75 कॉमन करेंगे तो 75 गुणे कितना आ जाएगा आपका 10 बटेगा तो और बटे 20 करेंगे माइनस 12 बटे बच्चों 20 करेंगे 2 × 6 = 12 जीरो पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अब यहां से अगर आप काटोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका 37.5 माइनस बच्चों 0.6। अगर आप यहां पे 36 लेते हैं तो यहां पे कितना बचेगा बच्चों +1.5 माइनस आपका 0.6 9 × 6 = 15 बच्चों 36 कितना आ जाएगा आपका 9 निकल कर आ जाएगा ए पार्ट। आगे बात करते बच्चों नेक्स्ट आपका 4 पुरुष बच्चों 5 महिलाएं 1 कार्य को 15 दिनों में, तो यहां बच्चों 4 पुरुष और कितना बच्चों 5 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिनों में कर जाते हैं। आगे फिर अगला दिया बच्चों आपका 9 पुरुष आपका दिया गया है 9 पुरुष और 6 महिलाएं भैया किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं 10 दिनों में कर जाते हैं। अब आगे बोला गया सेम यही काम जो है 4 पुरुष बच्चों आपका कितनी महिलाओं के साथ इस काम को 7 दिनों में कर जाएंगे। तो सबसे पहले भैया हमें तो क्षमता चाहिए ना, तो देखिए 15 × 6 = 60 पुरुष इधर हो गए और 10 × 9 = 90 पुरुष बच्चों इधर हो गए, तो 15 × 6 = 60 हो गया और 10 × 9 = 90 हो गया, तो 60 बच्चों उधर जाएगा तो कितना पुरुष बचेंगे इधर आपका 30 पुरुष बनेंगे, 10 × 6 बच्चों आपका 60 महिला और 15 × 5 = 75 महिला, तो यहाँ बच्चों आपका 75 है तो इधर 60 है तो कितना बचेगा आपका तो आप बताएंगे 15 महिला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 15 × 30 यम अपान पी की जो वैल्यू है 2 / कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे आप रख दो कहीं भी, ये रखेंगे बच्चों 2 तो यहाँ पे यम की वैल्यू 2 रखेंगे 2 × 6 = 12 और यहाँ पे 12 और 9 कितना हो जाएगा 21 × 10 बटे यहाँ से 7 बच्चों इधर लाएंगे बराबर 4p, पी की वैल्यू 1 है प्लस बच्चों एक्स यम, यम की वैल्यू 2 है 2x, एक्स की वैल्यू निकालना है, तो देखिए 7 × 3 = 21 बच्चों 10 यहीं 30 में से 4 गया तो 30 में से बच्चों 4 गया 26, 26 बटे 2 कर देंगे तो x का मान आ जाए कितना बजिया 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 13 बच्चों 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए बी से 3 गुना कुशल है, ए बी से क्या हो जाएगा 3 गुना कुशल है। अब ये तो भैया इफिशियंसी का रेशियो है ना, तो आपका टाइम का जो रेशियो है कितना हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अब यहाँ पे ए बी से 24 दिन कम लेता है तो यहाँ पे चेक करो कितना कम लेता है बच्चों आपका 2 बराबर आपका 24, 1 बराबर कितना आ जाएगा 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 36, दोनों का एलसीएम भी कितना आएगा 36, दोनों लोग मिलकर बच्चों कार्य करेंगे तो 3×1 = 4 की क्षमता से करेंगे तो 9 दिनों में क्या कर देंगे ये कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बच्चों आपसे बोला गया है कि टोटल बच्चों आपका कितना भरना है 205 लीटर, 205 लीटर को अगर भरना है तो दोनों लोग मिलकर भर रहे बच्चों, इनकी क्षमता कितनी है तो 5 लीटर 4 मिनट में, तो भैया 5 लीटर 4 मिनट में भरेंगे प्लस अगला आदमी बच्चों आपका 4 लीटर 5 मिनट में भर रहा है तो 4/5 कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ से 205 आपका एलसीएम कितना आएगा 20 ऊपर चला जाएगा, 5×5 = 25 और 16, तो 25 और 16 बच्चों अगर आप देखेंगे कितना आ जाएगा तो 25 × 16 = 41 आ जाएगा, 41×5 बच्चों कितना आ जाएगा आपका 205, 20×5 कितना आ जाएगा 100, तो आप बताएंगे ये 100 मिनट में क्या हो जाएगा आपका काम खत्म हो जाएगा। 240 मीटर लंबी बच्चों ट्रेन है तो लेंथ बच्चों ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस ऑब्जेक्ट का लेंथ बच्चों 360 बराबर वी वेलोसिटी चलेगा 5/18 km/h को बच्चों m/s में बदला और यहाँ पे 30, इसको जब आप जोड़ेंगे बच्चों 3×2 = 5 कितना आ जाएगा आपका, तो ये आपका जाएगा कितना जोड़ दो डायरेक्टली आपका 3×2 = 5 = 600 कितना आ जाएगा 600। अब यहां से 5 × 3 = 15, 15 × 6 कितना आ जाएगा 60, 0 से 0 कैंसिल, 18 × 6 कितना आ जाएगा 72, आप बताओगे 72 km/h आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों 97 प्रति किलोग्राम आपका दिया गया 5 का 5 kg बच्चों मान लेते हैं तो यहां पे गुणा करिए 5 × 7 कितना आ जाएगा आपका 35, 5×9 = 45 और 3 कितना आ जाएगा 48 प्लस अगला देखिए बच्चों 3 से आपका यहाँ पे दिया गया है 3×5 कितना आ जाएगा आपका 15, 3×1 = 3 यहाँ पे आपका टोटल कितना हो जाएगा 5×3 = 8 तो ये 15 बच्चों 500, 5×3 = 800, 800/8 बच्चों ये बिकेगा किस हिसाब से 100 rupees per kg के हिसाब से ये क्या हो जाएगा बिकेगा सामान। आगे बात करते बच्चों जो बच्चा चाहता है MKC पब्लिकेशन की बुक बच्चों आज ही 25% डिस्काउंट के साथ जाइए बच्चों फ्री डिलीवरी है वहाँ से आप जो है मेन साइट से ला सकते हैं। आगे
यहाँ बच्चों 72 से डिविजिबल है, एक्स का सबसे छोटा मान चाहिए, तो 0 से स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 बच्चों 9 तक कोई भी हो सकता है, ये आपका 8 इंटू क्या हो जाएगा 9 है, यहाँ पे 8 इंटू क्या है आपका 9 है। आगे बात करते हैं, देखिए इसमें आपका दिया गया है 9 से, अगर बच्चों 8 से डिविजिबिलिटी पहले हम लगाते हैं तो 8 के डिविजिबिलिटी के लिए अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 8, 9, 72, 6 बचेगा 8, 28, 64, यहाँ 4 आ जाएगा। अब 9 के लिए डिजिट का सम जो है लगाएंगे, 5 और 4 कितना आ जाएगा 9, और यहाँ बच्चों 6, 3 कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे 8, 7 कितना आ जाएगा बच्चों 8, 7, 15, 15 और 3, 18 बच्चों 5 बचेगा, 5, 4, 9 ये भी हो गया आपका, तो यहाँ पे कितना बचेगा 0, तो यहाँ बच्चों 0 आ जाएगा, और ये 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, 8 माइनस 0 कितना आ जाएगा, आंसर आपका 8 निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते हैं दो संख्याओं का बच्चों अनुपात, ये दिया गया है एससीएफ का ही बच्चों, ये आप जो कॉमन होता वही कटता है रेशियो में, उनका महत्तम समापवर्तक आपका 28 है, तो उनका अंतर बच्चों इन्हीं के आपका क्या करेंगे एससीएफ का गुणा कर देंगे 4 में, 4 × 28 बच्चों 4, 8, 32, 4 × 2, 8, 3, 11, तो आपका क्या आ जाएगा सी पार्ट निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करते बच्चों सबसे पहले तो आपका क्या हो जाएगा गुणा, तो यहाँ पे देखिए 18 = 54 हो गया, और यहाँ पे 3 से काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 18 × 54 बच्चों 18 आएगा, 6 × 3 = 18, 1/3 आएगा इतने का ही, सिर्फ इतना अगर आप सॉल्व करोगे 1/3 आएगा। यहां से आप सॉल्व करेंगे 3×6 बच्चों 6× 3 = 18, नीचे 3 आ जाएगा, 3×7 = 21 बच्चों आपका, और कितना बचेगा 1/3 बच जाएगा। आगे बात करते हैं भैया 3/2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आपका कितना आ जाएगा 3/2 आएगा। अगला आपका 10 है बच्चों, यहाँ पे प्लस आपका 10 है, 10 माइनस बच्चों 3 / 9, 9 तरीक पहले क्या आ जाएगा आपका 27, तो 3×9 = 27 बच्चों 1/9 आएगा, और 9 से 9 कैंसिल, तो आप बताओगे यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखिए भाई 1/3 ये खत्म हुआ, -7 - 1 बच्चों कितना आ जाएगा -8, +10 बच्चों 2, तो 2 - 3/2 आपका 2×2 = 4 में से 3 गया 1/2 आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका सी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते बच्चों 60 है यहाँ पे, तो 60/2 बच्चों 30 डिग्री आ जाएगा, तो 30 डिग्री का मतलब 1/2, 2×5 = 10 बच्चों 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ बच्चों cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2×6 कितना आ जाएगा आपका 8, तो ये 4 आ जाएगा। यहाँ बच्चों आपका 6×3 = 18/2 मतलब 90 आ जाएगा, sin 90 बच्चों 7 आ जाएगा, cos बच्चों आपका 1/2 = 60 तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों 5×4 = 9, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका सी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते बच्चों देखिए एबीसी आपका दिया गया है, हमें क्या दिया भैया पीटी कहाँ मिलेगा बच्चों यहाँ पे, ये कितना दिया गया आपका 10.8 दिया गया, हमें एडी चाहिए, एडी किस में मिलेगा बच्चों इसमें मिलेगा, आपसे क्या दिया गया इनका एरिया दिया गया है, तो भैया रेशियो तो आपका एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, ये साइड का रेशियो है, तो बच्चों स्क्वायर रूट लग जाएगा एरिया का, तो यहाँ पे आपका पहले तो बच्चों इसका एरिया चाहिए ना ए वाले का, और यही आपका दिया गया 64, और डिवाइड बाई बच्चों आपका कितना है 81, तो यहां से आप सॉल्व करेंगे 8/ कितना आ जाएगा 9, तो 12 9 बच्चों कितना आता है 108, 12 8 96, तो एडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.6 आ जाएगी बच्चों, 9.6 सेंटीमीटर आ जाएगी। आगे बात करते हैं एक पतंग की डोरी बच्चों 158 मीटर लंबी है, 36 से बच्चों 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो यहाँ पे आप देखोगे 30 डिग्री का अगर कोण है तो भैया कितना आता है 10/30 degree बच्चों 1/√3, तो ये 1√3 तो ये कितना आ जाएगा 2 आएगा पाइथागोरस से। अब यही वैल्यू आपको दिया है बच्चों 158, तो हमसे पूछा गया है कि पतंग की ऊंचाई 1 की वैल्यू पूछा गया, तो 1 की वैल्यू निकाल लो, 2×7 = 14, 2×9 = 18 बच्चों कितना आ जाएगा आपका 79 निकल कर आ जाएगा। तो ये रहे बच्चों आपके सवाल जो है जो कि आसानी से आपको समझ आए होंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही करते हैं, आगे भी मिलेंगे आपको दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, जय हिंद जय भारत। जय एवरीवन, मैं आपका आजाद सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एट मेजर कल्सी क्लासेस, टीए के विद्यार्थियों के लिए, जो भी हमारे टीए के एस्पिरेंट्स हैं, हिंदुस्तान के सारे टीए के एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही शानदार मॉडल पेपर लेकर आया हूं, मॉडल पेपर ऑफ टेरिटोरियल आर्मी। कितने क्वेश्चन आते हैं फिलहाल, 25 क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न क्या है, स्टैंडर्ड क्या है,
ये सारी चीजें मैं आपको बताने के लिए लाया हूं एक जबरदस्त मॉडल पेपर के। लीजिए आप, मॉडल पेपर है आपका ये। तो चलिए फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पेपर में क्वेश्चन कितने आते हैं इंग्लिश के? टोटल क्वेश्चन 25। क्या लेवल होता है पेपर को जब सॉल्व करो तो सारा लेवल मालूम हो जाएगा, कितने क्वेश्चन आते हैं, सारी चीजों का पूरा पूरा एकदम डिटेल आपको। चलिए वन बाय वन, पहला क्वेश्चन आपके सामने मेंशन है, लिखा है प्राउड। प्राउड का मतलब क्या होता है भाई? प्राउड का मतलब होता है घमंडी। प्राउड होता है घमंडी। अब आपको इसका अपोजिट वर्ड फाइंड आउट करना है, अपोजिट। तो भैया प्राउड का एरोगेंट, ये तो स्पेलिंग इनकरेक्ट है, एरोगेंट तो आपका हो जाएगा इसका साइनो, ये तो आंसर होगा नहीं। क्योर मतलब इलाज होता है, फ्रिवॉलिटी होता है घटियापन, छिछोरापन, तुच्छता, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब एंटोनिम जो है प्राउड का हो जाएगा हम्बल। क्या हो जाएगा? हम्बल हो जाएगा। गिवन ऑप्शन में आपको विच वन इज द बेस्ट, चारों में से थोड़ा बहुत मिलता, सबसे अच्छा कौन सा है यही आपको तलाशना होता है। फिलहाल एक आपका क्वेश्चन हो गया एंटोनिम। अगला क्वेश्चन आप देखें, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे साइनो आपको बताना है, इसका सिनोनिम बताना है। वर्ड है आपका स्टबर्न। स्टबर्न होता है बहुत ही जिद्दी या हठी। तो भैया इसका साइनो तो बड़ा ही पॉपुलर है, बड़ा ही फेमस है, ऑब्स्टिनेट, कई बार एग्जामिनेशन पूछा गया है। ठीक है, बाकी आपका इजी, आसान, प्लायबल होता है लचीला, और सबमिसिबल होता है बहुत ही सीधा साधा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है आपका रिकलेक्ट। रिकलेक्ट होता है किसी चीज को याद करना, मीन्स रिकॉल करना या रिमेम्बर करना। बहुत अच्छा, भी आंसर हो जाएगा इसका साइनो पूछ रहा है तो जाएगा रिमेम्बर। मेमोराइज होता है किसी चीज को पढ़ करके उसको दिमाग में सेट करना, बैठाना, याद करना। बोलते भाई इस चीज को आप इतने सिनोनिम याद कर लीजिए, इतने सिनोनिम्स को मेमोराइज कर लीजिए। रिवाइव करना, फिर से जिंदा करना, जीवित करना, रिकवर करना, कि भाई अब बीमार था लेकिन अब जो है धीरे धीरे स्वास्थ्य हमारा रिकवर हो रहा है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन चॉइस, ये ईडियम है आपका। इसमें होता है कि कोई भी विकल्प ना होना, वास्तव में कोई विकल्प मतलब होता है कि दो या दो से अधिक चीजें हो और उसमें से कोई आपको एक लेना या कुछ करना हो, एक ही चीज है, ले लो या छोड़ दो, इसका मतलब कि देयर इज नो चॉइस एट ऑल। ऑप्शन चॉइस होता है कोई चॉइस ना होना, इट मींस आइदर एक्सेप्ट और लीव द ऑफर, दिस वन इज द मीनिंग ऑफ ऑप्शन चॉइस। नेक्स्ट, अगला ये भी आपका ईडियम है, टू क्रॉस स्वॉर्ड्स मतलब होता है लड़ना या झगड़ना, लड़ाई करना, लड़ना या झगड़ना। अब टू फाइट, टू डिफेंड, हरिडली, हार्डली, यहां पर टू फाइट हो जाएगा, यानी कि लड़ना या झगड़ना, लड़ाई या झगड़ा करना, ऑप्शन ए यहां पे राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, मिस स्पेल्ड वर्ड्स, फोर वर्ड्स आर मेंशनड, चार वर्ड्स लिखे गए हैं, इनमें से तीन की स्पेलिंग सही होगी, एक की गलत होगी, जिसकी गलत है फाइंड आउट कीजिए। कैजुअल होता है आकस्मिक, सही है आपका। कैंडिड होता है ईमानदार, सही है। कैटेस्ट्रॉफी होता है विनाश या महाप्रलय, सही है। इसका मतलब कंजर्वेंट की स्पेलिंग ये गलत है, जहां सी है यहीं पर एस होना चाहिए था, कंजर्वेंट, सी ए एन टी, कन्वर्जेंट, कन्वर्जन में यहां पर एस होता है, कन्वर्जन में होता है जानकार। अगला क्वेश्चन देखें, अच्छा फिर वही आ गया स्पेलिंग एरर, फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, चारों में से कौन सा, किसकी स्पेलिंग गलत है भाई। चलो तुरंत देखते हैं, यहां पे आप देखिएगा प्रोसेशन डबल एस सही है, प्रोपोजिशन गलत है भाई, यहां पर टू टाइम्स एस, पी ओ डबल एस, ई डबल एस, यहां ई के पहले भी ई के बाद में भी टू एस होना चाहिए था, यही गलत है। गलत ही गलत स्पेलिंग वाले वर्ड को आपको फाइंड आउट करना था, मींस आपका आंसर हो जाएगा सी। यही भैया हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं भाई, इंग्लिश में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक सेंटेंस दिया गया है,
ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए चारों ऑप्शन में से एक वर्ड आपको सिलेक्ट करना है कि जो पूरे वर्ड पूरे सेंटेंस की मीनिंग हो वही मीनिंग इसमें से किसी एक वर्ड की हो। तो होता है कनिंग और डिसऑनर होता है बहुत ही धूर्त मक्कार फ्रॉडी जिसको बोलते हैं, तो डेवियस बोलते हैं उसको, डेवियस। He came to the clerk, clerk के पास आया and asked him, पूछा उनसे, what the criteria of getting that post? ये देखो भैया, यहाँ पे ये criteria आया है, इसके लिए एक verb use की जा रही है, कहाँ पर? यहाँ पर। तो भैया criteria एक plural noun है Latin language का, criterion singular होता है, criteria plural, subject जब plural होगा तो इसके लिए जो भी verb आएगी plural होनी चाहिए। If you will come to me, I will surely help you. हमेशा ध्यान रखिए एक बात तो एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, कभी भी आपको कंजंक्शन इफ दिखाई पड़े, इफ हो, अनलेस हो, अनटिल हो, तो इनके साथ में, इनके बाद में कभी भी किसी भी मॉडल वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा, बस इतना याद कर लीजिए। ज्यादा पूरा कंसेप्ट जानना है भाई तो आप मेरे प्लेटफॉर्म पर आए, आप मुझसे ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं मुझसे, और आप यूट्यूब पर भी मेरे सारे वीडियोज को देख करके इंग्लिश का एक अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। आई वॉन्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू डिस्कस इट अमंग, ऑल द स्टूडेंट्स प्लूरल है तो इसका मतलब हो जाएगा आपका आपस में सब एक दूसरे के साथ में, तो देमसेल्फ्स हो जाएगा यहां पर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक भाई, अगला देखिए, वॉइस आ गया, आई विल कंप्लीट माय प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। करना क्या है, एक्टिव वॉइस में है, यहां पर विल के साथ में वी वन आया है, पैसिव बनाए तो यहां पर बी डाल दें और इसको कर दें वी थ्री फॉर्म में कर दें, हो जाएगा विल बी कंप्लीटेड। देखो कहीं है विल बी कंप्लीटेड, यहां विल कंप्लीट है और यहां विल बी कंप्लीटेड, ये सही लग रहा है, विल कंप्लीट है, यहां विल बी कंप्लीटेड, तो माय प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय मी नेक्स्ट वीक, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है यहां पर बाय मी करके दिया गया है और ये चीज आपका ऑप्शन ए में नहीं दिया गया है, ये आउट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, They will help us with money. अब तो ये भी इसमें मॉडल वर्ब का यूज किया गया, will help, बीच में be लगाओ, help को be three में कन्वर्ट करो, will be helped, कहीं दिख रहा भाई? भाई देखो voice में जो है एक्टिव को पैसिव चेंज करते समय हम मॉडल वर्ब को चेंज नहीं कर सकते हैं, should, must, could कहां से आ गया, will को हम नहीं चेंज करेंगे, will ही में रहेगा, तो ऑप्शन ए भी केवल दिया गया, ऐसा ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखें, नरेशन आ गया, he said to me, may God bless you, तुरंत देखिए may का might कहां पर आया है, नरेशन में बदलेगा भाई, नरेशन में might, can, could, will, would, shall, should में बदल जाएगा, तो यहां पर देखो may का would नहीं होगा, may का will नहीं होगा, need नहीं होगा, might होगा, तो ही आपका आंसर हो गया। पीकी वारिस देखो भैया, पीकी वारिस, पीकी वारिस में क्या है, आपका एक सेंटेंस है उसको चार खंडों में तोड़ दिया गया है और स्टार्टिंग बता दी गई भाई कि आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग में सुनीता विलियम्स पास्ड हाई स्कूल एग्जाम। सुनीता विलियम्स जिनका नाम बड़ा चर्चित है आप जानते होंगे, इन्होंने अपना हाई स्कूल पास किया था कहां से, फ्रॉम नीदम हाई स्कूल। इसका मतलब ये जो आपका स्टार्टिंग पार्ट के जस्ट आफ्टर आएगा क्यू, कहां आया भैया, केवल ऑप्शन बी में दिया गया है, बाकी सब दूसरे दूसरे लेटर से स्टार्टेड है, यही आपका 100% आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, ये देखो इसको भैया बोलते हैं क्लोज पैसेज, ये क्लोज पैसेज या क्लोज टेस्ट के नाम से जाना जाता है, एक पूरा पैसेज है, पैसेज में आपके 10 क्वेश्चंस हैं, इस पूरे पैसेज में 10 ऐसे ब्लैंक स्पेसेज हैं जहां से वर्ड को रिमूव कर दिया गया है। अब इस पैसेज को पढ़कर इसको इसकी थीम को समझकर ग्रामर का जो आप पास नॉलेज है उसका प्रयोग करते हुए वो कैब
कि जो आपकी अप्रोच है उसका प्रयोग करते हुए जहां जहां ब्लैंक स्पेसेज हैं वर्ड को रिमूव किए गया है ऑप्शन को देखकर यहां पर इसको फिल करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। देयर इज नथिंग विच अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल कांट अचीव। दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसको एक स्ट्रॉन्ग विल वाला आदमी प्राप्त ना कर सके। जिसका विल पावर स्ट्रांग होता है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। विल पावर इज द श्योर हिप्नोटिज्म। जो विल पावर होता है ये एक ऐसा सम्मोहन शक्ति, मतलब इसमें इतनी ताकत होती है दैट जो क्या करता है भाई। अब आपके पास ऑप्शंस हैं। ये जो विल पावर है एक ऐसी ताकत है ये क्या कर सकती है, ये जो है ये ओवरकम कर सकती है, जीत सकती है। किसको जीत सकती है भैया? जीत सकती है ऑल ऑब्स्टिकल्स दैट, वो सारी बाधाओं को ये हटा सकती है, उस पर विजय प्राप्त कर सकती है। जो जो क्या होती हैं, जो हिंडर, जो बाधा डालती हैं, जो आपको रोकती हैं, कहां से कैसे रोकती हैं आपको, योर प्रोग्रेस। अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल, एक स्ट्रॉन्ग विल वाला जो आदमी होता है इज ऑलवेज, वो हमेशा क्या करता है, हमेशा वो क्या करता है भाई, हमेशा 18 में हमेशा सक्सेसफुल होता है। स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला आदमी हमेशा सफल रहता है। ठीक है, कहाँ सफल रहता है भाई, हमेशा हमेशा सफल रहता है। अच्छा, हमेशा अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल इज ऑलवेज सक्सेसफुल वाइल, जबकि वन वह व्यक्ति हु इज वीक इन विल, जिसकी विल पावर वीक है, हैज टू, उसको करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है 19वें में, उसको सामना करना पड़ता है। जिसकी विल पावर वीक है उसको बड़ा सामना करना पड़ता है, किसका सामना करना पड़ता है, मैनी फेलियर्स, अनेकों असफलताओं का। नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेंड, एक कहावत है, अगर जिंदगी में आपने कोई रिस्क नहीं उठाया, कोई जोखिम नहीं उठाया तो आपको सफलता भी नहीं मिल सकती है। अच्छा, नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेंड, क्या कि 20वें में क्या है भाई, 20वें में दिया गया है। अच्छा, वुड में, अच्छा वुड बी एन एक्सीलेंट रूल ऑफ कंडक्ट, ये जो है हमारे जीवन का ही बहुत ही बड़ा एक सत्य है कि नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेंड बट नो स्ट्रॉन्ग विल, बट नो स्ट्रॉन्ग विल, नो अगर स्ट्रॉन्ग विल नहीं है तो नो, नो स्ट्रॉन्ग विल नो सक्सेस। विल अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सफलता कहां से मिलेगी, नो सक्सेस, नो स्ट्रॉन्ग विल नो सक्सेस इज द ग्रेटेस्ट, 22वां इज द ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल, यही एक सिद्धांत है भाई। अगर आपका विल पावर स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपको सफलता नहीं मिल सकती, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, जीवन का एक सिद्धांत है कि जिसका स्ट्रांग, जिसका विल पावर स्ट्रांग नहीं है उसको सफलता नहीं मिलती है। All difficulties melt away before a heroic mind, जिसका दिमाग बहुत heroic mind, जिस जो strong will power वाला आदमी होता है, जिसका mind heroic होता है, साहसिक, उसको क्या होता है, वो सारी समस्याओं को, सारी difficulties को melt away कर देता है। Very often अक्सर we attribute, हम आरोप लगाते हैं आवर अपनी किस चीज का, आवर फेलियर्स, अपनी असफलताओं का हम जो है आरोप लगाते हैं किसके ऊपर, किसके ऊपर लगाते हैं भाई, लगाते हैं आरोप आवर चांस, कि हमको जो है चांस ही नहीं मिला, आर फेट, या हम भाग्य को दोषी ठहराते हैं, बट दिस इज नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं है। We blame our luck, हम अपने भाग्य को कोसते हैं, but लेकिन क्या है, but rarely, बहुत कम ही ऐसा होता है
बट रेयरली बहुत कम ही ऐसा होता है क्या, बहुत कम ऐसा होता है कि डू वी एग्जामिन आवर माइंड्स द वीकनेस ऑफ विच इज रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फेलियर। हम ये नहीं देखते कि हमारे अंदर कमी क्या है, किस वजह से हम असफल हुए, हमारे फेलियर का मेन रीजन क्या है, वो हम अपने अंदर नहीं तलाशते हैं, अपने में नहीं तलाशते हैं, बल्कि हम दूसरे के मत्थे उसको मढ़ते हैं कि भाई नहीं नहीं ऐसा उन्होंने कर दिया, ऐसे हो गया, ऐसे कर दिया, समझ रहे हैं मेरी बात। ऐसे कंपटीशन में भी होता है कि हम लोग क्या करते, पढ़ते खुद नहीं है, बच्चे पढ़ते नहीं, बोलते कि नहीं सिलेक्शन ऐसे नहीं हुआ, दुनिया भर का कहानी बताते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस कहानी से आप शिक्षा लीजिए, आप अगर सक्सेसफुल हैं तो उसके लिए आप ही अकाउंटेबल हैं और आपके गार्जियन और ऊपर वाला, और अगर आप कहीं ना कहीं फेलियर हैं, असफल हैं, तो उसके लिए भी आप ही अकाउंटेबल हैं। सारी चीज आप कर सकते हो, सब कुछ आपके सामने है। डिफेंस में जाना है तो मेजर कलसी आपके साथ में है, 24 घंटा आपके साथ में लगा हुआ है, सारी चीज़ें एकदम सस्ती फ्री कर दी गई हैं, आइए उसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। दिन रात पढ़कर सिलेक्शन लीजिए, अपना मम्मी पापा का, हम लोगों का, सबका जो है गर्व से सिर ऊंचा कीजिए। तो चलिए फिर, ज़्यादा कुछ आपसे बहुत ज़्यादा बात करके आपको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और इसको आप खुद देखें और जो भी आपके यार दोस्त हैं उनको बताएं कि इसको वॉच करें, ठीक है। सारे बच्चों को जय हिंद। जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द मेरी कल्सी क्लासेस। ये टीए का मॉडल पेपर है जीए का, जिसमें 25 क्वेश्चंस हैं और आप बेहतरीन सवाल देखेंगे, ठीक। तो इन बेहतरीन सवालों को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं और अपना टीए का बेहतरीन स्कोर तैयार कीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कितना किया है। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, पहला सवाल ये है। इंडस वैली पीपल वर्शिप विच गॉड, तो किस गॉड को पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग, पशुपति शिव, पशुपति शिव, क्योंकि बाकी तीनों देवता ऋग्वेद काल के हैं, इसीलिए आंसर डी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो वो एक शहरी सभ्यता थी, अर्बनाइज्ड कल्चर थी, इसीलिए वहां पर मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार, ट्रेड था। तीसरा सवाल, वेदों की संख्या कितनी है, दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, फिर भी सवाल पूछा जाता है, इसलिए चार वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ओके। तीन ही बोलेंगे क्या, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है, चार हो गए। झीलम नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है, तो आपको पता है झीलम नदी वही है जहाँ सिकंदर पोरस का युद्ध हुआ था, वेदस्ता, ओके, ऑप्शन ए था करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर अगला 5, सिकंदर का समकालीन मगध शासक कौन था, तो सिकंदर ने जिस समय आक्रमण किया था नंदवंश का शासन था, इसीलिए आंसर होगा घनानंद, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, दुनिया जानती है इस बात को, आप भी जानते हैं, लाइट ऑफ एशिया इनको कहते हैं, गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ, उनके बचपन का नाम है। अगला सवाल, टेरिटोरियल आर्मी से संबंधित जो भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे यहाँ बैच चल रहा है, तो आप हमसे बैच में भी जुड़ सकते हैं, 9696330033 पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, ओके। जैन धर्म का सर्वाधिक जोर किस पर था, तो आज भी है, पहले भी था, वो है नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, ओके। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र यानी जो बुक है वो किस एस्पेक्ट पर बात करता है, तो सिंपल सी बात है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन उसका सही जवाब है, ठीक है। चीन एवं चाय के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए थे, कौन सा अधिनियम था, तो वो था 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट था, ठीक है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया, माने डिजाइन जो थी हमारे नेशनल फ्लैग की, उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था, तो सही आंसर है 22 जुलाई 1947, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला, भारतीय संविधान कैसा है, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा कठोर है, थोड़ा सा नरम है, ओके। आगे देखें, टेरिटोरियल आर्मी के ऑनलाइन बैचेस भी हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, क्लास चल रही है, वहीं हम भी पढ़ा रहे हैं, वहाँ 9696330033 पर कॉल करके और जानकारी ले सकते हैं आप। किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो सिंपल सी बात है, 36वां संविधान संशोधन 1975 था, 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975। दोहरे दंड का निषेध यानी कि डबल जियोपार्डी से रोका गया है, कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 20 कहता है कि यदि आपको एक बार अपराध किया है आपने, तो एक ही बार दंड मिलेगा, एक अपराध के लिए दो बार दंड नहीं मिलेगा। भारतीय संविधान के जो DPSP है, नीति तत्व है, जिन्हें आयरलैंड से लिया गया है, वो किस आर्टिकल में है, तो 36 से लेकर 51 तक है, आर्टिकल 36 से 51 तक पार्ट 4 में।
भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज कौन नहीं है। वर्तमान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था उनको 42वें संविधान संशोधन के जरिए, शुरुआत में नहीं थी, यानी मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। और आम चुनाव में मतदान करना यानी वोटिंग इन जनरल इलेक्शन इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, यानी मूल कर्तव्य नहीं है। आपको वैसे करना चाहिए लेकिन मूल कर्तव्य संविधान में नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट, हमने कल शाम को ही मैराथन क्लास में पढ़ा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के विवादों को देखता है चुनाव से संबंधित। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, सो सिंपल, सूर्य एक तारा है, तारे को घूमने वाले पिंड प्लैनेट यानी ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन व रात होने का क्या कारण है, दिन रात होते हैं पृथ्वी के अपने एक्सिस पर रोटेट होने के कारण, तो रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। ठीक, कष्ट में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा एल्युमिनियम, तो दूसरा सिलिकॉन है, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। देखो 25% डिस्काउंट पर बोवी फ्री डिलीवरी के साथ ऐसी सस्ती बुक्स आपको नहीं मिलेंगी, बोवी बेहतरीन डिजाइन की हुई, हर लैंग्वेज में, हर सब्जेक्ट की, हर एग्जाम के अलग अलग बुक्स हैं। ठीक है, तो आज ही जाइए ऑर्डर कीजिए, एमकेसी की वेबसाइट पर जाकर के आपको मिल जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बहुत सिंपल सवाल है, नेपाल तिब्बत की सीमा पर है माउंट एवरेस्ट, 8,847 मीटर ऊंचाई है। ठीक, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश की सीमा पर है, तो ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल भित्ति है यानी कोरल रीफ है, और ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तरी पूर्वी हिस्से में है, दुनिया की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है वो। सुनामी किस भाषा का शब्द है, सुनामी का मतलब होता है पोर्ट वेव्स, बंदरगाह की तरंगें, और ये जापानीज लैंग्वेज का है, सुनामी ऐसे लिखा जाता है, सुनामी टी साइलेंट रहता है इसमें, सुनामी ऐसे। ओके, चलिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो पैसिफिक ओशियन है, इसमें तो दिमाग ही क्या लगाना, पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा महासागर यानी कि ये प्रशांत महासागर, सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो छोटा ही होगा आर्कटिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी यानी अचानक से आपका बैरोमीटर का जो नंबरिंग है, रीडिंग है, नीचे आ जाए तुरंत, यानी प्रेशर बहुत कम हो गया है, तो बहुत लो प्रेशर पर चारों तरफ से हवाएं आएंगी, तो आंधी और तूफान आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, स्टॉर्मी वेदर यानी तूफानी मौसम। लास्ट क्वेश्चन, कौन सा देश हजारों झीलों की भूमि कहलाता है, तो आप सबको पता है ग्लेशियर्स पिघलने के कारण सबसे ज्यादा जो झील बनी है वो फिनलैंड में बनी है, और इसीलिए आंसर होगा इसका फिनलैंड। तो ये 25 सवाल थे आपके, टेरिटोरियल आर्मी का जीके का मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत किया गया था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ आर विशाल, और मैं अपने टीए मतलब टेरिटोरियल आर्मी के एस्पिरेंट्स के लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का मॉडल पेपर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर आपके लिए। तो आइए पहला क्वेश्चन बिना देर किए, बॉडी को DQFA लिखा जाए, क्या लिखा जाए, बॉडी को DQFA लिखा जाए, देख रहे होंगे आप, बी को चार, दो को क्या लिखा है, दो को इसने, दो को चार प्लस दो किया, 15 को 17 प्लस दो किया, मतलब आप समझ गए प्लस टू का मामला है, तो 13 को क्या करेगा, 15, 9 को करेगा 11, ये दोनों अपने आप फट गए, 7 को करेगा 9, और ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, यदि यूनिवर्सिटी को कूट भाषा में 12, 73, 94, 87, 56 लिखा जाए, तो ट्रस्टी को क्या लिखा जाएगा, इन अ सर्टेन कोड यूनिवर्सिटीज रिटेन एस ये हाउस ट्रस्टी, देखिए एक को मतलब कि एक लेटर है, एक वर्ड है, उसके लिए उतने ही नंबर्स यूज किए गए हैं, इट मीन्स कि कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का मामला है, कहीं कुछ भी दिक्कत की बात नहीं सबका। जैसे यू का कोड 1 है, यू का कोड कितना है, 1 है, तो सीधे हमको देखना है क्या चाहिए, ट्रस्टी, क्या चाहिए हमको, ट्रस्टी 1, 2, तो इधर से 5 आ जाएगा, 5 सब पर है, आर आपका 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8, 5 के बाद, सॉरी, आर किस पर, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, फिर आपका यू पहला है, 5, 4, 1, 5, 4, 1 का दो जगह है, इसके बाद क्या है, एस, एस का मतलब 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 8, 5, 4, 1, 8, 5, 4, 1, 8, सी आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर है। नीचे दिए गए शब्दों, यूजिंग द ग्रुप ऑफ लेटर विच वर्ड कैन मेड बाई मीनिंगफुल,
तो ये देखिए इसमें जो लेटर्स थे वो मिसिंग है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो आंसर होगा वो तो ब्यूटी होगा, कुछ लेटर दिए गए होंगे जिससे एक आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, और इसमें जो मीनिंगफुल वर्ड है वो क्या है आपका ब्यूटी है, इसी को मतलब कि इसमें क्या दिया गया होगा पता है, ऐसे दिया गया होगा ए दिया गया होगा ओ बी टी यू वाई E और L ये दिया गया होगा, और कहा गया होगा इस इसमें हम लेटर्स का यूज करके कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं, तो ब्यूटी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिमेंट से क्या नहीं बनेगा, क्वेश्चन एंड ऑप्शन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड ऑप्शन कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड, चूज दैट ऑप्शन, मतलब कि एलिमेंट्री लिखा हुआ है और इससे बताना है कि कौन सा लेटर नहीं बना सकते, लेमेंट बना सकते हैं, ल्यूमेन नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर यू है, जो यू इसमें कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, तो डिफरेंस कितना हो रहा है आपका 66, यहाँ कितने का हो रहा है 55, पकड़ में आ गया ये, यहाँ कितने का हो रहा है 44, यहाँ कितने का होगा 33, अब कितने का होगा 22, अब कितने का होगा 11, मतलब करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या है भैया, 15 3 18 5 23 7 30 9 39 11 50 13, अब 15 जुड़ेगा, 15 का मतलब 78 हो जाएगा, ये इस सवाल का करेक्ट आंसर है। टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी करने वाले सारे स्टूडेंट्स के लिए, आप जानते हैं एमकेसी का कोई भी विकल्प डिफेंस के सेक्टर में नहीं है, मतलब यूपीएससी कमीशन के जो एग्ज़ाम आपके आईएएस पीसीएस को छोड़कर बाकी जो भी एग्ज़ाम हमारा ये कमीशन कराता है उसमें हमारा झंडा सबसे बुलंद है, तो आप एमकेसी से जुड़ें 9696330033 पे अभी कॉल करके। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, चूज द रिलेटेड वर्ड फॉर गिवन अल्टरनेट, कारपेट कहाँ, कारपेट सरफेस पर, तो कर्टेन विंडो पर, कारपेट सरफेस पर मतलब कालीन फर्श पर, तो पर्दा कहाँ, खिड़की पर, क्या है आपका जे के एल एम, बस चेंज कर रहा है ऑर्डर, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है 3 1 4 और 2, सही है, तो 1 2 3 4, पहले 3 वी, फिर 1 टी, वी टी से 2 हैं अभी, इसके बाद क्या है आपका 4 4 का मतलब डब्लू, वी टी डब्लू, बी इज द करेक्ट आंसर, कौन सा बी इज द करेक्ट आंसर। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक, हमें ऑड चेंज चेक करना है, 3 2 5 3 2 5 और कितना है आपका 8 2 10, 19 2 21, 24 2 26, 4 3 7, 3 का डिफरेंस आ गया, बी आपका करेक्ट है, बी आपका करेक्ट आंसर है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, सी ए का पिता है, डी सी की बहन है, डी जो है इसकी बहन है, डी इसकी बहन है, ई डी की माता है, ई डी की माता है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, डी सी की बहन है, सी ए का पिता है, सी ए का पिता है, डी सी की बहन है, डी सी की बहन है, ई डी की माता है, ई डी की माता है मतलब इसकी भी माता ही है एक तरीके से, बी का ई के साथ क्या संबंध है, तो इसके भाई के पापा की माँ, मतलब कि आपसे क्या पूछ रहा है, अच्छा इसका जेंडर नहीं क्लियर है, तो नातिन या नाती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता के पत्नी, अपनी पिता, अपने पिता, विनोद ने विशाल का, ये विनोद है, विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी, अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई, अपने पिता की पत्नी मतलब मम्मी के इकलौते भाई मतलब मामा का बेटा, तो मामा का बेटा मतलब क्या हो जाएगा, कज़िन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कज़िन हो जाएगा, फुफेरा भाई। जो लोग हमसे ऑनलाइन किसी कारणवश नहीं जुड़ पाते हैं, जुड़ पा रहे हैं, मतलब मसलन मामला क्या हो कि या तो वो
लेट दूर हो हमसे या किसी कारणवश, या एक बार उन्होंने ऑफलाइन कोचिंग कहीं पे कर रखी हो या ऑनलाइन कहीं पे कर रखा हो फिर भी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो एमकेसी लर्निंग ऐप इंडियाज नंबर वन ऐप फॉर डिफेंस एग्जाम दोस्तों हम ही से जुड़े हैं आप 9696330033 पे कॉल करके। अगले सवाल पे आता हूं मैं, नेक्स्ट, मिनट और घंटे के बीच की सुई के बीच, तो 9 और किस पर, 9 और 53 पर, तो 9 का मतलब कितना हो जाएगा 30 गुणे 9 डिफरेंस 11/2 गुणे 53, तो यहाँ कितना 9 + 27 270 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा आपका 11 + 3 = 33, 11 + 5 = 55, 55 + 3 = 58/2, तो 2 × 2 = 4 और 2 × 9 = 18, 2 × 6 = 12, 9 × 53 क्या होता है भैया 30 × आवर डिफरेंस 11/2 × मिनट, मिनट और घंटे की सुई के बीच में कोण कितना होगा, तो 270 में से ये आपका क्या हो रहा है 11/2 5.5 लगभग 250 का 11 = 5.5 6, तो डिफरेंस तो यही आ रहा है, तो 70 का मतलब फिर 21.5 करेक्ट आंसर है, क्या है आपका 21.5 करेक्ट आंसर। किसी पैनल के 5 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी के बाएं है, 1 2 3 4 5 ठीक है, ए बी के बाएं है, बी का बायां ए है, बी के बाएं है लेकिन सी के दाएं है, और डी बी के दाएं है, लेकिन ई के बाएं है, क्या पूछा, बीच में कौन बैठा है, बी आपका बीच में बैठा है, बी कहाँ बैठा है बीच में, यहाँ पर देखिए 5 2 7 5 2 7, तो इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, तो अगर ये 5 2 7 कॉमन है तो ये दोनों आपस में वो क्या होंगी, ये दोनों आपस में ऑपोजिट सरफेस होंगी, 3 का विपरीत 4 होगा, 3 का विपरीत क्या होगा 4 होगा। आने वाले कल से अगला दिन रविवार है, आने वाले कल से अगला दिन मतलब शनिवार की बात कर रहा है, आने वाले कल को शनिवार है मतलब आज फ्राइडे है, आज क्या है फ्राइडे है, तो बीते कल से पिछला दिन, फ्राइडे के पहले थर्सडे था, थर्सडे के पहले वेंसडे था, वेंसडे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, वाष्पीकरण वर्षा समुद्र बादल, तो पहले क्या बनेगा, पहले बादल बनेगा, बादल के बाद क्या होगा वेपोराइज होगा, फिर बारिश होगी, फिर समुद्र में चला जाएगा, या हम समुद्र में जाएं 3, फिर क्या करें वेपोराइज करें, ठीक है, फिर बादल बनाएं, एकदम एग्जैक्ट यहाँ पे गलत हो रहा है, ये आपका सही है, समुद्र वाष्पीकरण होगा, बादल बनेगा, बादल के बाद क्या होगा वर्षा होगी, सही है, मतलब देखिए समुद्र का पानी है, फिर वेपराइजेशन है, फिर क्लाउड है, फिर रेन है, ये आपका करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लें, गलती नहीं होनी चाहिए। पहले क्या होगा आपका, पहले विज्ञापन आएगा, तो 3 जगह, विज्ञापन के बाद फॉर्म जाएगा, 5 6 सही है, फॉर्म के बाद इंटरव्यू होगा, तो 5 6 3 5 6 4 5 6 2 खत्म, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी से लंबा है परंतु सी से नाटा है तथा बी उतना ही लंबा है जितना डी है परंतु ई से लंबा है, बी उतना ही लंबा इतना डी है परंतु ई से लंबा है, मतलब ई सबसे बड़ा है, ई सबसे छोटा है, तब डी है ए से नाटा है क्योंकि ये बी भी ए से नाटा है, डी इसके बराबर है। अगले सवाल पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस का अर्थ क्या है माइनस, तो 4 - 2, माइनस का अर्थ है गुणा 6, गुणे का अर्थ है भाग 3, भाग का अर्थ है +7, सही है, तो पहले भाग लगा लो, यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2 × 4 = 4 खत्म हो जाएगा, 7 बच जाएगा, 7 आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट स्लाइड पे आपके लिए एमकेसी पब्लिकेशन की किताबों को लेकर जानकारी है। ये किताबें बहुत बेस्ट किताबें हैं दोस्तों, आप इनको पढ़ें तो फिर आपको दूसरी कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। खास बात यह 25% के डिस्काउंट पर, और भी खास बात यह है कि हम बिना कोई डिलीवरी चार्ज लिए इन किताबों को आपके घर तक पहुँचा रहे हैं। ये देखिए मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 8 4 12 12 3 15 15 1 16 8 4 12 13 3 16, ठीक है, 5 4 5 3 8 8 5 13 13 5 3 4 3 7, ठीक है, जोड़ना है तो 6 4 10 5 15, यहाँ 3 आएगा। तो ये रहा TA के टेरिटोरियल आर्मी के एस्पिरेंट्स के लिए रीजनिंग का मॉडल पेपर। हम यूं ही लगातार मॉडल पेपर के साथ आपके बीच में बने हुए दोस्तों, आप क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा, मतलब MKC परिवार का उद्देश्य है। जय हिंद दोस्तों।